बदहवास में किसानों को यूरिया खाद न मिलने से किसानों में आक्रोश किया चक्काजाम। खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने किया चक्काजाम। बदहवास तहसील पर खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने आक्रोशित होकर NH-3 पर जाम लगा दिया। जानकारी के मुताबिक जैसे ही किसान तहसील पर खाद लेने इकट्ठा हुए तो वितरण व्यवस्था ठीक न होने के कारण किसानों ने जाम लगा दिया। DAP खाद के बाद अब किसानों को यूरिया खाद की भी कमी का सामना करना पड़ रहा है। वही सरकार के दावों की हकीकत बयां करती ये तस्वीरें किसानों की परेशानी को बता रही हैं कि किस तरह अन्नदाता खेत से लेकर रोड तक आ गया फिर भी उसे समय पर खाद नहीं मिल पा रही। पहले DAP की समस्या बनी रही। DAP में किसानों ने अक्सर ज्यादातर किसानों ने नकली खादों से और कुछ ने तो बिना खाद के खेती की है और आज यूरिया की किसान दर दर भटक रहा है। गुना जा रहा है, सीपरी जा रहा है, ग्वालियर जा रहा है, भाजे जैसे तैसे करके अपना खाद लेके आ रहा है। किसानों की कोई सुनने वाला नहीं, प्रशासन अपनी मनमानी पर है। वहाँ सरकार के पास कोई कमी खाद की नहीं है। हमारे पड़ोसी जिले में गुना जिले में खाद की फैक्ट्री है जो विजयनगर है ना, इसलिए यहाँ कोई कमी नहीं है। यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, खाद विभाग के ले लो, कलेक्टर ले लो, राजस्व विभाग के ले लो, सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अभी तरक्की पर है, किसानों की लूट रहे, किसानों की चीख आ रही है और सरकार है और पूरे जो लोग है ना, ये सब भ्रष्टाचारी है। सर आज चक्का जाम किया गया था NH-46 पे, सर किस बात को लेकर किया गया था, ये क्या मामला था पूरा? मौके पर पहुंचने पर जैसे जेल साहब ने बताया, मौके पर पहुंचे और देखा तो व्यवस्था तहसील में चल रही थी उनकी और काउंटर की कमी थी। अलग अलग काउंटर SDM साहब वगैरह आ गए थे, लगवाए गए। चक्का जाम करने वाले जहाँ तक मेरे को समझ में आया कि किसान लोग नहीं थे, क्योंकि हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि भाई आपका जिसको भी खाद चाहिए चले हमारे साथ, अब लाइन लग गई है तो उसमें लग जाए, तो फिर वो लोग बड़ी मुश्किल में उसके बाद हटे हैं। ये बात सही है, चक्का जाम होने के कारण थोड़ा परेशानी है, इसके समान वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं।